पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून को भी एक मौका देने की दरख्वास्त कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से अजाब मुसल्लत है, उनका भी हक है कि वहां नई सड़कें बने, सहूलियात आएं। हमारी जमात को भी खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो देने की जरूरत है। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में बहुत अहम काम किया है, मुझे लगा कि यह हमारी फतह है। हमारी जमात ने हजारा में बहुत अच्छा काम किया। मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा वोट बैंक मौजूद है। वहां के आवाम को भी कहना चाहूंगी कि मुस्लिम लीग नून को भी एक मौका दें। एक सहाफी के सवाल के आम इंतखाबात में वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा के जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि मेरा शहबाज शरीफ से बाप बेटी का रिश्ता है। शहबाज शरीफ साहिब पार्टी सदर हैं, पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा हैं। मैं समझती हूं कि वक्त आने पर फैसला पार्टी करेगी। मैंने, शहबाज शरीफ साहिब ने और पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए वजीर आजम के उम्मीदवार का इख्तियार मियां नवाज शरीफ को दे रखा है। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहिब उम्मीदवार होते हैं तो हम उनके पीछे खड़े होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNEs और MPEs अपनी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। PTI की टिकट लेने वाला कोई नहीं, और अगर कोई उनकी टिकट लेकर आवाम में जाएगा तो मैं इसे मशवरा दूंगी कि हेलमेट पहनकर जाए। आवाम गुस्से में भरे बैठे। नवाज शरीफ के दौर में 35 रुपए वाला आटा आज 80 का हो गया। 50 वाली चीनी 150 की है। डॉलर 100 से 185 तक पहुंच चुका है। तारीखी नाअहली और नालायकी ने आवाम को जीना दूभर कर दिया है। मरियम नवाज ने कहा कि उनके खिलाफ मुल्क भर से फैसले आ रहे हैं। ये पहली हुकूमत है जो इक्तदार में रहते हुए भी एक के बाद एक जिमनी इलेक्शन हार रही है। इमरान खान की अगर जरा सी भी इज्जत बची हुई है तो उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर सीट छोड़ दें। अफगानिस्तान पर होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि मसला अफगानिस्तान सिर्फ खित्ते की नहीं, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। अफगान अवाम ने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। कश्मीर हमारी शारग है, हमें वहां भारतीय मजालिम के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। इमरान खान की नाअहली से मुतालिक केस के सवाल पर मरियम नवाज का कहना था कि अगर ये केस उनकी जाती नौयत का है तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती।